नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कनिका। दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ से दिल्ली से जा रही कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन सहित 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में 74 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। ये ट्रेन बीती रात डंपर से टकरा गई। ये हादसा औरैया जिले के अछलता और पाटा रेलवे स्टेशन के बीच हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन के इंजन और 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसा बीती रात करीब 2:50 पर हुआ। रेलवे कंट्रोल रूम ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया है कि राहत और बचाव का काम चल रहा है और रेलवे के बड़े अफसर मौके पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो डंपर ट्रेन से टकराया है वह रेलवे के काम में ही लगा हुआ था। बालू से भरा डंपर ट्रैक पर पलट गया था और ड्राइवर बिना रेलवे अधिकारियों को बताए वहां से भाग गया। इसके बाद कैफियत एक्सप्रेस इस डंपर से टकरा गई और इसके इंजन सहित 10 डब्बे पटरी से उतर गए। तो ये तो थी इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।